अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा एंड ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं विद एग्जांपल नंबर 2। होप कि सबको एग्जांपल नंबर 1 अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो उसको दोबारा से जो है अपने पास स्टेप बाय स्टेप लिखिए। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो स्टेप बाय स्टेप उसको जो है आपने सेटल डाउन कर देना है, यानी अपने लिए नोट डाउन कर देना है लाइक अ बुलेट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड देन उसको एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेना है कि हमने वहाँ पर क्या क्या किया था एंड आंसर फिर हमारे पास कैसे आया। ठीक है, मैंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल पढ़ाई हुई है, जैसे कि मैंने उसको काफ़ी डिटेल से जो है कार्टिजन टू पोलर समझाया एंड किस तरह से सरफेस एरिया की इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन किस तरह से होगी, वो सारा कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। नाउ लेट्स फाइंड द सेकंड एग्जांपल, जिसमें हमें अगेन सरफेस एरिया ही फाइंड करना है बाय यूजिंग द प्रीवियस मेथड। यहाँ पर जो है हमें डिफरेंट शेप गिवन है, तो हमारे पास गिवन है द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द कैप कट फ्रॉम द हेमिस्फीयर। हमें एक इक्वेशन दी गई है बाय सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ हैं, हेमिस्फीयर में सिलेंडर इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए किस तरह से है, सिलेंडर है और फिर उसके ऊपर जो है हमारे पास हेमिस्फीयर है। ठीक है, सो लेट्स सी कि इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। फंक्शन को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से जो है हमारे पास यहाँ पर गिवन फंक्शन है। नाउ लेट्स सी कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, फैक्ट्स तो एफ ऑफ एक्स की जो हमें इक्वेशन दी गई है वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी है, एंड हमें पता है कि हम लोग किस तरह से रेडियन ऑफ एफ जो है वो फाइंड करते हैं। सो लेट्स कम टू द बोर्ड साइड। सो चलिए आ गई है हम लोग सोल्यूशन पर। अब मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुकी हूँ बोर्ड पे कि क्या है उसमें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपनी इक्वेशन पे जाएंगे, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है। तो अगर हम लोग अपनी गिवन इक्वेशन पे जाएं, हमें यहाँ पर हेमिस्फीयर की जो इक्वेशन गिवन है वो है हमारे पास SPHERES। तो उसकी हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गई। नाउ सिलेंडर की जो है हमारे पास वो इक्वेशन क्या है, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम लोग इंटरसेक्शन कर्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इंटरसेक्शन कर्व जो है हमारे पास देखें तो वो हमारे पास 2 है, यानी जेड जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2। अब वो मैं क्या बता रही हूँ, वो मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन कर्व्स हैं इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। तो ये जो है थ्योरेटिकल है, मैं इसको जो है आपको जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में बताऊंगी। जो इंटरसेक्शन कर्व है यहाँ पर वो हमारे पास प्लेन पे लाए कर रहा है वो जो कि है हमारे पास 2, जिसको हम लोग बोलते हैं जेड इक्वल टू 2। ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड होता है कि ये ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 2 के। ठीक है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है हमारे पास कि जेड जो है ग्रेटर इक्वल होना चाहिए 2 के। नाउ अगर हम लोग इंटरसेक्शन कर्व देखें सिलेंडर का, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है। तो इसमें हमारे पास जो सर्कल ऑफ रेडियस है वो हमारे पास 1 है, और जो कि हमारे पास क्या होती है, सेंटर ओरिजिन पे होती है एक्स वाई के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस 1 एट सेंटर एट ओरिजिन ओरिजिन जी आई एन ओरिजिन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स है जिसके बारे में हमें जो है वो डिस्कस करना लाजमी था। नाउ पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व्स देखेंगे कि क्या होती है, पैरामीटराइज ऑफ कर्व क्या होते हैं। तो लेट्स सी अबाउट दैट। ऊपर की चीज़ों को मैं नहीं हटाऊंगी, नीचे जो है छोटी छोटी चीज़ों को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर जो है हम लोग अपनी पैरामीटराइजेशन देखें, सबसे पहले हम लोग मतलब कार्टीजन को पोलर में किस तरह से चेंज करते हैं ना, ये वो बात हो रही है यहाँ पे। सो अगर हम लोग लेट करें कि एक्स जो है वो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा है और वाई जो है वो हमारे पास साइन ऑफ थीटा है। सो यहाँ पर अगर हम देखें इनकी लिमिट्स की बात करें, तो हमें पता है कि सिलेंडर के लिए हमने पिछले टाइम जो है वो क्या यूज़ किया था, और यहाँ पर हेमिस्फीयर जो है हमारे पास क्या होगा, 0 से 2 पाई जो होगा हमारे पास हेमिस्फीयर के लिए हम लोग लिमिट यूज़ करेंगे फॉर इंटरचेंजिंग कार्टिजन इनटू पोलर। देखें हमारे पास शेप कुछ इस तरह से, जैसे बुक में भी दिखाया गया है कि हेमिस्फीयर को हमने बाहर लिया हुआ है और साथ में अंदर जो है वो हमारे पास सिलेंडर है। अब यहाँ पर जो है डायग्राम कुछ अच्छी खासी नहीं आ रही, बट वी विल एडजस्ट।
यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ इस तरह से ड्राइंग दी गई है, ठीक है। तो अगर हम देखें, सिलेंडर अंदर है, हेमिस्फीयर जो है वो हमारे पास बाहर है। हेमिस्फीयर हमारे पास 0 से 2 पाई जाता है, तो यहाँ पर हम लोग 0 से 2 पाई लिख देंगे। और अगर हम यहाँ पर सिलेंडर की बात करें, तो सिलेंडर का जो हमारे पास एरिया है वो 0 से जो है हमारे पास 1 जा रहा है। देखिए यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह से सिलेंडर का एरिया है, तो सिलेंडर के लिए हम लोग 0 to 1 जो है वो लिमिट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लिमिट जो है, हमें लिमिट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब ये हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो इसके लिए हमें, मतलब एक तरीके से ये हमें याद होनी चाहिए कि हेमिस्फीयर की जो है लिमिट हमारे पास क्या होगी, सिलेंडर की लिमिट हमारे पास क्या होगी, एंड कौन सी कंडीशन पे सिलेंडर की लिमिट हम लोग क्या लेंगे। ये सारा कुछ जो है ये हमें एक तरह से इसका एक चार्ट बना के याद कर लेना होगा, ठीक है, ताकि हमें फिर बार बार कन्फ्यूजन ना हो इस चीज़ की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 0 to 2 पाई, एंड द नेक्स्ट लिमिट विल बी 0 to, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो दो लिमिट्स हो गई हैं हमारे पास। तो यहाँ पर ये वाली जो लिमिट है ये हमारे पास थीटा वाली है, और ये वाली हमारे पास जो है वो आर की है, रेडियस, और फिर है हमारे पास एंगल, ठीक है। सो दोनों लिमिट्स हमारे पास फाइंड हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है वो देख लेंगे। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड, जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर मैं इसका ग्रेडियंट ऑफ एफ लूँ तो हमारे पास वो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव 2xi आ जाएगा, प्लस इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y, और ये हो जाएगा j, प्लस अगर इसका लेंगे तो 2z और k आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास। नाउ हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे द जो इसको हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, या फिर ग्रेडियंट ऑफ एफ ही आप बोल दें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड कर रहे हैं। नाउ इसको जो है हम लोग पुट कर देंगे विद दिस, सो ये हो जाएगा 2x और स्क्वायर लग जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2z स्क्वायर। नाउ इसको ओपन अप कर लेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बाहर निकाल देंगे विथ 2, देखिए 2 पे पावर 2 है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं सिंपल लिख दूंगी। नाउ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को देखें अंदर, तो क्या ये इधर से मिलती जुलती है, ऑफकोर्स। तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 2, और स्क्वायर रूट के अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि है 2, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा, और द फाइनल आंसर इज़ दिस। ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ एफ हो गया। तो चलिए ग्रेडियंट ऑफ एफ तो जो है हमारे पास फाइंड हो गया ना, इसका प्रोडक्ट लेंगे विथ पी। अब पी क्या था हमारे पास, लेट सी, पी भी यहाँ पर हमारे पास वही है जो हमने पिछली इक्वेशन में फाइंड किया था, 0, 0 एंड ऑफकोर्स 1, ठीक है। सो हमारे पास पी भी यहाँ पर आ चुका है, यानी नॉर्मल वैक्टर जो है हमने फाइंड कर लिया है। अब इसको जो है हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे विथ ग्रेडियंट ऑफ एफ के साथ, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, लेट्स सी क्या आएगा। इसी के साथ मैं ले लेती हूँ, सो इसके साथ हमारे पास पी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पी लिखूँगी, वेक्टर्स को हटा देंगे, ठीक है, और साथ में इनको भी हटा देंगे, 2x 2y 2z विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी 0, 0 और 1। तो अगर हम देखें इसको, इसको और इसको, तो ये 0, ये 0, 2z क्या हो जाएगा, 2z 1 के साथ आ जाएगा, यानी ग्रेडियंट ऑफ एफ विथ पी हमारे पास क्या आ गया, 2z आ गया। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है विद रिस्पेक्ट टू पी हमारे पास फाइंड हो चुका है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट भी बोलते हैं, तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट जो है वो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया है, हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग इसको सेटअप करते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में सेटअप कर देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, सरफेस एरिया पहले उसको देख लेंगे। फॉर्मूला है रीजन विद ग्रेडियंट और मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, देन ग्रेडियंट विद पी, मैग्नीट्यूड डी ऑफ ए।
सो अब चलिए इन फॉर्मूले में जो है हम लोग अपनी सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। लिमिट हमें पता चल गई है कि लिमिट हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है पता चल गया, प्रोडक्ट भी हमें जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है दो इंटीग्रल लगाए हैं तो लिमिट भी मैंने दो बताई थी, एक आर की एक टीटा की, तो दोनों को अब यहाँ पर जो है हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो लेट सी कि यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सी लिमिट हम लोग पहले लगाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो डेरिवेटिव था, जो ग्रेडियंट और एफ है वो क्या था, वो था हमारे पास 2√2। ठीक है, सो हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। नीचे हमारे पास प्रोडक्ट क्या था, वो था 2z, तो 2z एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ आर एंड डी ऑफ टीटा। हम लोग सबसे पहले जो है वो टीटा की वैल्यू लगाएंगे, टीटा की वैल्यू क्या है 0 से 2π एंड देन आर की वैल्यू क्या थी 0 से 1 था, रेडियस जो था 0 से 1 था, तो यहाँ पर हमने वो सब कुछ पुट कर दिया। नाउ ये जो जेड है इसको अब हमने निकालना होगा, इसको हम लोग कहाँ से निकालेंगे, इसको हम लोग गिवन फंक्शन से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं जेड को। सो गिवन इक्वेशन में हमारे पास जो थी x² + y² प्लस हमारे पास था यहाँ पर था हमारे पास z² = 2। अब यहाँ से हम लोग z को निकालेंगे, z को छोड़ देंगे, बाकी सारी वैल्यू जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। सो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट काम कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास z² = 2 − x² − y². अब यहाँ पर z हमें चाहिए, बट ये z² है तो स्क्वेयर रूट बोथ साइड पर अप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सो हमारे पास ये हो जाएगा z = this whole। ठीक है, सो ये हमारे पास जेड हो गया। अब इस जेड को हम लोग यहाँ पर 2 के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। सो अब मैं यहाँ पर जो है, अब आई ऑब्वियसली मैं तो बोर्ड यूज़ कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख सकती हूँ, बट आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए एक फ़ायदा तो हो गया मेरा। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, 2 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म 0 से 2π, 0 से 1 एंड ये हो जाएगा √2। एंड यहाँ पर अब हम लोग एक्स वाई जो है यूज़ करेंगे, मैंने बताया था x किस चीज़ की इक्वल है, y किस चीज़ की इक्वल है, चलिए ये पुट कर देंगे 2, ये हो जाएगा r² cos² θ माइनस ये हो जाएगा r² sin² θ। ठीक है, अब ये r और d ऑफ़ θ अपनी जगह पे ही रहेगा, यहाँ से r² को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए r² को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाली चीज़ें हटा देती हूँ मैं, इसको भी हटा देते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2π, 0 से 1 एंड √2 अपनी जगह पे, 2 − r² को मैं कॉमन ले लूँगी, ये हो जाएगा cos² θ माइनस sin² θ। ठीक है, एंड r d ऑफ़ θ मैंने उधर से देखे कॉमन ले लिया, मैं नीचे वाले को भी हटा देती हूँ। अब न्यू स्टेप में चलेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों इंटीग्रल एज इट इज अपनी जगह पे, फिलहाल काम नहीं हो रहा है इस पर। नीचे को सॉल्व करेंगे, √2 ये हो जाएगा हमारे पास 2 − r² बिकॉज ये 1 की इक्वल है, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम लोग, और ये हो जाएगा हमारे पास r d ऑफ़ θ। अब यहाँ से हमने इंटीग्रल फर्स्ट अप्लाई करना है विद r d ऑफ़ r। ठीक है, सो √2 को बाहर निकाल देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 0 to π, 0 से 1 r d ऑफ़ r। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 − r² d ऑफ़ θ। अब मैं जो है फर्स्ट इसको इंटीग्रेट करूँगी, लेट्स सी कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे बिकॉज सब्सटीट्यूशन इज़ वेरी वेरी इजी। तो अब मैं क्या करूँगी, ऊपर वाले को हटा दूँगी एंड यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे, उसको ऊपर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था √2, 0 से 2π, 0 से 1 एंड r d ऑफ़ r √2 माइनस r² and d ऑफ़ θ। ठीक है, अब लेट करते हैं कि सब्सटीट्यूशन हमारे पास क्या होगी। लेट करेंगे इसको, लेट u = 2 − r², du क्या आ जाएगा, −2r आ जाएगा, हमें सिर्फ r की ज़रूरत है, और dr तो ये हो जाएगा −1/2 du = r d ऑफ़ r। वी विल यूज़ दिस वन एंड ऑफकोर्स वी विल यूज़ दिस वन। अगर किसी को इंटीग्रेशन नहीं आती कि हाउ टू यूज़ सब्सटीट्यूशन, तो आप इसके लिए वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन अगर अभी तक मैंने ऐड नहीं की तो आप इसको मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ही ईजी मैथड जो है मिल जाएगा, ईजी वीडियो है,
5 to 6 मिनट्स की, आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू यूज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नाउ लिमिट्स भी हैं, u इक्वल टू 2 - r² में सबसे पहले हम लोग r को पुट करेंगे 0, देन हम लोग r को पुट करेंगे 1, तो u इक्वल टू 2 आ जाएगा एक, ठीक है, और वो तो 0 हो गया, और 0 पे ये आ गया, ठीक है, और 1 पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। सो 1 पे 1 और 1 पे जो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सॉरी। सो चलिए इसमें चलिए पुट कर देते हैं। पहले मैं जो न्यू चीज़ें हैं वो मैं रेड से पुट करूँगी, ठीक है। सो ये लिमिट एज इट इज एंड डी ऑफ थीटा भी एज इट इज़। अब बीच में जो मैंने न्यू ऐड किया वो मैं लिख दूंगी, मैंने इसको क्या बोला था यू, तो मैं इसको लिख दूंगी स्क्वायर रूट ऑफ यू। और ये किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है -1/2 डी यू के, ये डी यू -1/2 को मैं बाहर लिख दूंगी, ठीक है। ये हो गया वो पूरा पूरा। अब चलिए इसको जो है, इस पे न्यू लिमिट्स भी हमारे पास हैं जो कि है 1 से 2, ठीक है, तो 1 से 2 हमारे पास यहाँ पर लिमिट हो जाएंगी। तो नाउ इसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, किसे वो भी पता चल जाएगा, लेट्स सी। सो यहाँ पर जो है हमारे पास ये तो कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है, सो इसको हम लोग बाहर ही कंटिन्यू कर लेंगे, और यहाँ पर जो है हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। सो अगर देखा जाए तो इस स्क्वायर रूट को अगर हम लोग ऊपर कर दें तो पावर वाली इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जब ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगी 2π, सही है। ये ऊपर जाएगा तो u की पावर -1/2 बनेगा +1 एंड -1/2 +1 एंड साथ में डी ऑफ थीटा जो है अपनी जगह पे। लिमिट क्या है, लिमिट है 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास रेड रेड हो गया, चेंज कर देती हूँ इसको ताकि फिर कंफ्यूज ना हो कोई। सो दिस विल बी एज इट इज़, ये तो बाहर की चीज़ें, ठीक है, ये अपनी जगह पे रहेगा, डी ऑफ थीटा भी अपनी जगह पे। नाउ ये क्या हो जाएगा, हाँ -1/2 +1, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। सो ये हो जाएगा u की वैल्यू 1/2 / 1/2, ठीक है। सो ये 2 और ये 2 जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हमारे पास ये चीज़ें बचेंगी। अब इसको भी हटा देते हैं, सब्स्टिट्यूशन जो हमने यूज़ की थी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद बीच में लाइन मारी और दूसरी तरफ यूज़ कर रहे हैं। स्क्वायर रूट 2 अपनी जगह पे हो जाएगा एंड u में जो है हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, लिमिट विल बी एज इट इज़ 1 और 2, सही है। ये हो जाएगा 0 से 2π। अब स्क्वायर रूट u में जो है हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1 और 2, डी ऑफ थीटा भी अपनी जगह पे। नाउ बाहर वाला अगेन वैसे ही अब लिमिट पुट कर देंगे तो वो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हमें पता है कि लिमिट कैसे पुट करते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 - 1, ठीक है, एंड डी ऑफ थीटा। नाउ अगेन अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अवर लास्ट इंटीग्रेशन जो कि डी ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट से है तो वो कर लेंगे। अच्छा ये और ये जो है हमारे पास बाहर ही रहेगा, ठीक है, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा 0 से 2π, और यहाँ पर जो है 1 को हम लोग डी ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इस पर हमारे पास थीटा आएगा, थीटा की जो लिमिट है 0 से 2π है, ठीक है। तो चलिए ये बाकी की चीज़ को भी मैं लिख देती हूँ वरना फिर कंफ्यूज होंगे आप, ठीक है। अभी सारा का सारा मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा है। अब हमने क्या करना है, थीटा में हमने वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है, जो कि लिमिट्स हमें गिवन है 0 से 2π। ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट टू माइनस वन अपनी जगह पे, ये हो जाएगा 2π और -0, ठीक है। सब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब हम लोग ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2π एंड 2 - √2, एंड दैट्स ऑल। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हमारे पास जो है हमारा आंसर आ चुका है, और यही है हमारे पास सरफेस एरिया। होप के सबको समझ आ गई होगी एंड काफ़ी डिटेल से समझाया है, कोई भी मैंने इधर जो है लूप होल नहीं छोड़ा कि कहीं आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर जो है ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। और इससे पहले एग्जाम्पल को हम इससे भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो होप कि वो भी सबको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे जो कि हमारे पास है सरफेस इंटीग्रल। देखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी दूसरी वीडियो, बिकॉज ये वीडियो जो है ख़त्म हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।